ईरान ने इसराइल से एक तरीके से बदला लिया है, सऊदी और हुतीज की जंग शुरू हो सकती है। और इसराइल ने अभी तक यहाँ पे कितना नुकसान कर दिया है, जब से ये जंग हमास और इसराइल की जंग स्टार्ट हुई है तब से अभी तक क्या क्या हो चुका है, कितने लोग मारे जा चुके हैं और कितना नुकसान अभी तक हुआ है, वो सब भी आपको बताने वाला हूँ। कई सारी न्यूज होने वाली, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरुआत करेंगे रशिया से। मैं आपको बता दूं, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लगभग 110 मिसाइल से हमला किया है, साथ में ड्रोन भी लॉन्च किए थे। इसमें 110 मिसाइल का जो है हमला हुआ है, ये 22 महीने की जो जंग चल रही है ये बहुत बड़ा हमला था, ये भी 110 मिसाइल का, जिसमें ड्रोन भी लॉन्च करे गए थे और इसमें 7 नागरिक मारे गए हैं जो कि यूक्रेन के। तो एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ है जो कि यूक्रेन के ऊपर, जो कि रशिया ने किया है। मैं आपको बता दूं, ईरान ने इसराइल से एक तरीके से बदला लिया है, जो कि अभी आपको पता ही होगा, इसराइल ने एयर स्ट्राइक करके इराक में जो एयर स्ट्राइक करी थी उनके रजी मोसावी IRGC कमांडर का मार दिया था, तो अभी उसका एक तरीके से बदला लिया है ईरान ने। अब किस तरीके से लिया, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ईरान ने तीन से चार लोगों को गिरफ्तार करा था। तो जो इसराइल की मोसाद एजेंसी है, जासूसी मोसाद एजेंसी, उससे उनका लिंक जोड़ा गया था, इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें मोसाद एजेंसी उन्हें जोड़ा गया था, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार करके रखा गया था, उनको फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। तो अभी जो तीन से चार जो बंदे गिरफ्तार करे गए थे, चार बंदे, उन चारों को ईरान ने फांसी की सजा दे दी है। अभी जो फांसी की सजा दी है, तब से तो अभी तक इसको फांसी की सजा नहीं दी गई थी, लेकिन जैसे ये यहाँ पे कमांडर को मारा गया तो यहाँ पे ईरान ने भी एक्शन लिया और इजराइल के इन चार यहाँ पे बंदों को फांसी दे के मार दिया है। वही मैं आपको बता दूं, जब से हमास और इजराइल की जंग स्टार्ट हुई है अभी तक कितने लोग मारे जा चुके हैं और यहाँ पे कितने लोग, अभी मैं आपको ताज़ा टोल यहाँ पे आपको बताऊँ तो लगभग 21,507 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, प्लस 55,915 के करीब जो है वो अभी भी इंजर्ड है, मतलब जख्मी है। वहीं 7 अक्टूबर से अभी तक 65,000 जो यहाँ पे घर हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जिनको इजराइल ने यहाँ पे हमला कर करके बिल्कुल खत्म कर दिया है। साथ ही साथ उसमें 126 गवर्नमेंट यहाँ पे फैसिलिटीज थी, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह थी वो सभी यहाँ पे उनको भी खत्म कर दिया गया है। उसमें 115 मस्जिदों को भी शहीद करा गया है, साथ ही इसमें 92 स्कूल और यूनिवर्सिटी थी उनको भी खत्म कर दिया गया। वहीं 2,90,000 घरों को यहाँ पे जो है डैमेज किया गया है, जो कि अभी मतलब कुछ टूट गए हैं तो मतलब कुछ सही है, इस तरीके से 2,90,000 घर हैं फिलहाल। 200 मस्जिदें ऐसी हैं वहाँ पे जो अभी इसी तरीके से डैमेज है, मतलब कुछ यहाँ पे जो है टूट गई है तो कुछ सही है। 193 स्कूल यूनिवर्सिटीज है, लगभग यहाँ पे 3 चर्च भी हैं इसमें, और 23 हॉस्पिटल्स और 23 हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जो काम के नहीं रहे। तो ये पूरा मैप आपको दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हो कि पहले कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो गाजा था वो दिख रहा था, अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। वहीं हुतीज में और सऊदी अरब में आपको पता ही होगा कि यहाँ पे एक बार जंग स्टार्ट हो गई थी लगभग 1 से 2 साल पहले, तो उस पर शांति समझौता हुआ था, लेकिन वो शांति समझौता जो है अभी लगभग 1-2 साल के लिए हुआ था, 2 साल का, तो वो अभी ख़त्म हो गया। तो उसको यहाँ पे रीन्यू करने के लिए उसको मतलब दोबारा से सिग्नेचर करने होते हैं कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए फिर से वो शांति समझौता हो सके, तो वो टाइम वापस से आ गया है। तो इस बार हुतीज ने कहा है, जो सऊदी अरब है वो अपने आप को जंग में, मतलब एक तो हुतीज हो गए तो जंग में अपने आप को वो दूसरा पक्ष नहीं मानता, मतलब सऊदी अरब ये बोलता है कि भाई हम नहीं लड़ रहे इनसे जंग हुतीज से, वो हमारे पे बस हमला करते हैं हमारी तरफ से, मतलब बाद में वो जो हमला करते हैं उसका जवाब दिया जाता है। तो हुतीज ने इसको लेके कहा है, जब तक सऊदी अरब अपना यहाँ पे पक्ष नहीं मान लेता है कि एक वो भी पक्ष है, जब तक वो नहीं मान लेता है, जब तक हम यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करेंगे, उस पर साइन नहीं करेंगे। तो अभी हुतीज का कुछ इस तरीके से रवैया यहाँ पे सऊदी अरब के सामने निकल के आ रहा है कि तब तक जब तक वो अपना पक्ष नहीं मानेगा कि वो भी जंग लड़ता है हमारे से, खाली हम ही हमले नहीं करते, वो भी मतलब हमले करता है, वो भी जंग लड़ता है, तो जब तक वो नहीं मानता तब तक हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो अभी नहीं पता है इसमें आगे क्या होने वाला है, जो भी होगा आपको पता चलेगा, मैं आपको न्यूज़ दूंगा। तो अभी तो हुतीज ने साफ साफ मना कर दिया है, और अगर ये इसी तरीके से मना रहा, या फिर हुतीज ने अटैक कर दिया या फिर सऊदी ने अटैक कर दिया, तो इनमें एक बार फिर से यहाँ पे जंग शुरू हो सकती है। वहीं ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री केस ने कहा है कि जो फलस्तीनी है वो जंग जीतने के बहुत करीब है, वो जंग यहाँ पे बहुत करीब जा चुके हैं जीत के। उन्होंने कहा है कि पूरा फलस्तीन आज़ाद हो जाएगा और फलस्तीनी जो वहाँ की आवाम है वो वहाँ के खुद मुख्तार होंगे, और वहाँ का दारुल हुकूमत जो होगा वो बैतुल मुकद्दस होगा। तो इस तरीके की कुछ बातें यहाँ पे ट्यूनिशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कही है कि फलस्तीनी बहुत यहाँ पे जीत के करीब जा चुके हैं और बहुत जल्दी फलस्तीन आज़ाद हो जाएगा। तो यही कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है जो मैंने आपको बता दी। मिलते हैं अगली वीडियो में।